हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर बच्चे हम रिग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। रिग्रेशन बच्चे आपका जैसे कोरिलेशन था वैसे ही आपका रिग्रेशन है, थोड़ा सा बस थ्योरी डिफरेंट है बट है बहुत ही सिंपल। ओके, सो रिग्रेशन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बट रिग्रेशन पढ़ने से पहले आपके कोरिलेशन के बेसिस जो है आपके क्लियर होने चाहिए। सो अगर आपको कोरिलेशन क्लियर है तो अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चे रिग्रेशन की, कि रिग्रेशन होता क्या है जी। सो रिग्रेशन को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं एक कंपनी का, जिसकी सेल्स और एडवर्टीजमेंट की बात हम करेंगे। राइट, सो मान लेते हैं कंपनी का नाम है पप्पू इंटरनेशनल। क्या नाम है भाई? पप्पू इंटरनेशनल। पप्पू इंटरनेशनल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया। उस कंपनी की सेल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो अच्छा ग्रोथ देती है वो कंपनी। राइट, कैसे देती है भाई ग्रोथ? कह रहे फर्स्ट ईयर में कंपनी की जो इनकम थी वो थी 200 करोड़ रुपए, मतलब कंपनी की सेल्स थी वो 200 करोड़ रुपए थी। कंपनी की जो अगले साल में सेल्स थी वो 400 करोड़ थी, उससे अगले साल में 600 करोड़, देन 750 करोड़, तो मतलब अच्छी ग्रोथ पकड़ रखी है कंपनी ने। देन उसके बाद में 1000 करोड़ तक पहुंच गई। जब कंपनी इतनी सेल्स करती है तो इसका मतलब जाहिर सी है कि एडवर्टीजमेंट भी कर रही होगी। तो एडवर्टीजमेंट अगर हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा कर रही थी ये कंपनी पप्पू इंटरनेशनल, तो मिला कि भाई जब 200 करोड़ था तो 20 करोड़ की करी, 400 करोड़ था तो 50 करोड़ की करी थी, 600 करोड़ पे 660 करोड़ की करी थी, और जब 750 करोड़ था तो 80 करोड़ की करी थी, और 1000 करोड़ के टाइम पे 120 करोड़ की हमने एडवर्टीजमेंट करी, ऐसा पप्पू इंटरनेशनल ने हमें बताया। ओके जी, अब ये डेटा को देखकर आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा में कुछ तो कोरिलेशन है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो कोरिलेशन है। ओके, ये हमने पता कर लिया। अब इस कोरिलेशन को पता करने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या एनालिसिस होगा, फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा? मतलब कि अगर आपको सेल्स पता है इस कंपनी की अगले साल की, क्या आप उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट बता पाएंगे कि कितना खर्चा हुआ होगा? या फिर अगर आपको ये है कि इसमें मेरे को 200 करोड़ की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो क्या आप बता पाएंगे कि कंपनी कितना सेल्स उस टाइम पे जुटा सकती है? सो अगर आप ये कर सकते हैं तो इसी को रिग्रेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला बच्चे एग्जाम्पल को, मैंने बोला कि अगर मान लो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में कंपनी जो है 1200 करोड़ रुपए का सेल्स कर देगी, तो क्या बता पाएंगे कि यहां पे एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा किया होगा? या फिर अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चे यहां पे कि अगर आपको पता चल जाए कि कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है, तो सेल कितनी करी होगी ये क्या आप बता पाएंगे? अगर ये क्वेश्चन मार्क आप फिल कर पाए तो इसका मतलब आप रिग्रेशन को समझ गए हैं जी। राइट, सो इस चैप्टर के अंत तक, इस चैप्टर के एंड तक हम रिग्रेशन की हेल्प से ये डेटा को फिल करना, ये पर्टिकुलर डेटा को फिल करना सीख जाएंगे। राइट, सो व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन इन सिंपल टर्म इज जस्ट हेल्पिंग अस टू प्रेडिक्ट और गिविंग अ फोरकास्ट फॉर द डेटा। ओके, व्हाट इज रिग्रेशन? इट इज सेड दैट व्हेन वी नो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, देन वी कैन फोरकास्ट और वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर एनालिसिस ऑफ द डेटा। राइट, यही रिग्रेशन है। ओके, क्या है? अगर हमें दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है ये पता है, तो मैं अपने डेटा के बीच की फ्यूचर एनालिसिस कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि कुछ पर्टिकुलर डेटा फ्यूचर का मुझे पता होना चाहिए। राइट, सो अगर ऐसा है तो ये हम कर सकते हैं, यही रिग्रेशन बोलता है। अब रिग्रेशन वर्ड की बात करते हैं तो मतलब क्या है, अब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं इसको समझने की। सो रिग्रेशन वर्ड की बात करते हैं तो मेन जो मतलब है इसका है रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। यस, स्टेपिंग बैक भी है, मूविंग बैकवर्ड भी है। सो ये वर्ड हमें थोड़ा हेल्प करेगा समझने में डीपली कि रिग्रेशन होता क्या है जी। रिग्रेशन क्या बोलता है? रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। कह रहे कि अगर आप डेटा को देखकर कुछ ऐसे एनालिसिस कर पाते हो कि डेटा का पैटर्न क्या बना, मतलब जो हमने ऊपर सेल्स की बात करी थी और एडवर्टीजमेंट की बात करी थी, अगर मैं इस डेटा को प्लॉट करता हूं तो मान लो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है मेरा डेटा। राइट, सो इस डेटा को जब मैंने प्लॉट किया तो एक हमें कुछ प्रेडिक्शन हुई कि यहाँ का जो एवरेज आ रहा है वो एक लाइन की फॉर्म में आ रहा है, ऐसे एक लाइन को फॉलो करते हुए डेटा आ रहा है। सो ये क्या बोल रहा है? ये अगर आपको लाइन जो है एवरेज वैल्यूज बता रही है, एवरेज वैल्यूज बता रही है,
तो फ्यूचर के अंदर अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है तो मेरा डेटा जो है वो इसी लाइन के इर्द गिर्द ही आएगा। सो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मेरा जो डेटा है वो ट्राई कर रहा है रिटर्न करने की टुवर्ड्स एवरेज वैल्यू, टुवर्ड्स एवरेज वैल्यू। अगर ये लाइन मेरे लिए एक एवरेज वैल्यू है, सो मेरा डेटा इसी के आसपास रिटर्न करने की कोशिश करता है। ये बोलता है बच्चे अपने को रिग्रेशन, यही डेफिनेशन बोलती है। ओके, अब रिग्रेशन है क्या? मैथमेटिकल इक्वेशन है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे रिग्रेशन है क्या? रिग्रेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट अलाउ अस टू प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम नॉन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ नॉन वैल्यू ऑफ वन और मोर वेरिएबल, वही बात होगी, ठीक है ना। इस कॉल्ड एज रिग्रेशन इक्वेशन। क्या है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है रिग्रेशन जो है आपको हेल्प करता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, जो हेल्प करता है आपको प्रेडिक्ट करने के लिए एक वैल्यू वेरिएबल की, जब आपको दूसरे वैल्यू वेरिएबल की पता है। राइट, सो दूसरे वैल्यू मतलब कि मान लो आपके पास में दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो कुछ पर्टिकुलर डेटा जैसे हमने ऊपर में लिया था, मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, क्यों मैं नया एग्जाम्पल शुरू करूंगा, ठीक है, मैं इसी को लेता हूँ। मान लेते हैं ये वेरिएबल है आपका एक्स और ये मान लेते हैं वेरिएबल है वाई। सो एक्स का आपको सारा डेटा पता है, जैसे यहां तक देखते हैं तो सारा पता है। तो अगर एक्स का सारा डेटा पता है तो मैं आपको वाई का जो डेटा है, वाई का डेटा यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, बिकॉज ये पर्टिकुलर डेटा की हेल्प से मैं रिग्रेशन लाइन बना पाऊंगा या रिग्रेशन इक्वेशन बना पाऊंगा। ठीक है, इस डेटा से मैं रिग्रेशन इक्वेशन बनाऊंगा, वो रिग्रेशन इक्वेशन हमें हेल्प करेगी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने पे, जब मुझे एक नॉन वेरिएबल की वैल्यू पता है। मतलब जैसे यहाँ 1200 वैल्यू पता है, तो मैं इस रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से अपना दूसरी वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकता हूँ। ये बोल रहा है आपको रिग्रेशन। ये बोल रहा है आपको रिग्रेशन। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन ये लिखी हुई है। क्या कह रहा है, रिग्रेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, दैट इज टू स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड देयर बाय प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग। दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। कह रहा है कि रिग्रेशन जो है या रिग्रेशन एनालिसिस एक ही बात है, ठीक है, हेल्प करता है आपको नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताने की। राइट, कि आपने जो रिलेशनशिप फाइंड किया है बाय द हेल्प ऑफ कोरिलेशन, वो किस टाइप का रिलेशनशिप है। वो कैसा है रिलेशनशिप, लीनियर है, एक कर्व का फॉर्म दे रहा है, एक इलिप्स का फॉर्म दे रहा है, ऐसा रिलेशनशिप बताएगा। और उस रिलेशनशिप की हेल्प से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज को, या फोरकास्ट कर सकते हो, फ्यूचर की वैल्यू बता सकते हो एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, यही आपका रिग्रेशन बोलता है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, समझ में आया? राइट, अब आप बोलेंगे सर इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ ना लाइफ में। बहुत है बच्चे, आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी उठाइए, राइट, माइक्रोसॉफ्ट उठा लीजिए, बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल उठा लीजिए, आप बिग फोर्स उठा लीजिए, PwC उठा लीजिए, चाहे आप KPMG उठा लीजिए, कोई भी डेटा उठा लीजिए या कोई भी कंपनी उठा लीजिए। राइट, कंपनी उठाने का मतलब है कि किसी भी बड़ी कंपनी का डेटा उठा लीजिए, वो सारा डेटा पे अगर आप देखेंगे वो सारा दिन बैठ के एनालिटिक्स यूज करते हैं, जिसका बेस होता है क्या, रिग्रेशन। सो अगर बच्चे मैं बोलूं आपको, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं लाइक बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, या फिर कोई भी आपका अंबानी जी हमारे, कोई भी बनना चाहते हैं, सो आपको रिग्रेशन जैसे टॉपिक्स की अच्छी कमांड होनी चाहिए। एंड इवन दो आप जॉब में ऊपर टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, तब भी आपको ऐसे टॉपिक्स पे अच्छी कमांड पानी चाहिए, बिकॉज ऊपर जाते रहेंगे तो हमारा काम ही एनालिसिस करना होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, ये जो सब चीज़ें हो रही होती हैं ये रिग्रेशन के अंडर ही हो रही होती हैं, ये रिग्रेशन उनका बेस है। सो रिग्रेशन, दैट्स वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, समझ में आया? अब ये तो हमने बात कर ली थ्योरिटिकली, राइट, 5-10 मिनट का इंट्रो देना था वो हमने आपको दे दिया। अब बात करते हैं डीपली कि रिग्रेशन के अंदर में हमें पढ़ना क्या है। सो रिग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पे तीन पहले ये वर्ड्स हैं, क्या भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। इसको समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर एक्चुअल मैथमेटिकल बात करेंगे। क्या है भाई डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि अगर हमें बोला गया है कि रिग्रेशन हेल्प करता है हमें क्या भाई, एक वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करने में, एक वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करने में, जब हमें एक वैल्यू की वेरिएबल, एक दूसरे वेरिएबल, ये वेरिएबल फर्स्ट है,
ये वेरिएबल टू है, ये वेरिएबल जब नोन है, ठीक है, जब हमें एक वेरिएबल नोन है उसकी हेल्प से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए बोलता है। सो जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी होती है उसको बोल देते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल देते हैं बच्चे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? जिसकी वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है या जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ओके, और जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है उसको बोल देते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते देते हैं बच्चे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, लिखो मेरे साथ साथ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। क्या है भाई? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ये सिंपल सी भाषा समझ आ गई। अब अगली बात, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे को जो स्टडी करनी है वो सिर्फ और सिर्फ करनी है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की स्टडी करनी है, तो मतलब हमारी जो थ्योरी वैल्यू, जो थ्योरी है जो हमें समझना है, वो सिर्फ और सिर्फ जहां पे एक लीनियर इक्वेशन बन सकती है, जहां पे हमारी लीनियर इक्वेशन बन सकती है। मतलब हमने बताया ना आपको कि रिग्रेशन के अंदर एक रिग्रेशन इक्वेशन बनती है। क्या बनती है भाई? रिग्रेशन इक्वेशन बनती है। जहां पे ये रिग्रेशन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो मतलब जहां पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन बनकर आएगी, राइट। सो ऐसे को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, राइट। और इसके अंदर में जब स्टडी कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस या सिंपल लीनियर एनालिसिस। तो हमारा जो ये चैप्टर है सिर्फ यहीं तक में वैलिड होगा, यहीं तक की हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन कवर करेगा इस पर्टिकुलर आपकी क्लास के अंदर। ओके, राइट। सो रिग्रेशन एनालिसिस क्या बोल रहा है? कह रहा है इट इज अ स्टडी ऑफ ओनली टू वेरिएबल्स। जब हमें दो वेरिएबल की स्टडी करनी होती है तो हमें सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना चाहिए, जहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, एक लीनियर रिलेशनशिप है, राइट। क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। सो मैं मानता हूं कि लेट सपोज एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, तो मैं एक्स को कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानूंगा, कभी मैं वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानूंगा, कभी मैं एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल मानूंगा, कभी मैं वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऐसे करके मैं अपना काम चलाऊंगा, वेरिएबल दो ही लूंगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है जी, बात समझ में आई, राइट। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम मैथमेटिकली बात करेंगे। सो जिन बच्चों ने भी पेन पेपर नहीं उठाया, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेन पेपर उठा के अभी तक मेरे साथ नहीं लिखना शुरू किया है, वो अब से साथ करेंगे शुरू। बिकॉज अब बच्चे अगर आपने साथ साथ में नहीं किया तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी बताने जा रहा हूं जो आपको मेरे साथ साथ खुद करनी होगी। ओके जी, देखिए क्या बोल रहा है, ये मैथमेटिकली थ्योरी हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे इसको, राइट। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हमें अगर रिग्रेशन की इक्वेशंस पता करनी है या रिग्रेशन लाइंस बतानी है, रिग्रेशन की इक्वेशन बतानी है या रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन क्या होती है जब मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा। अगर मुझे इसके बारे में बात करनी है तो मैं एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ली स्क्वायर, इसकी हेल्प से मैं समझा सकता हूँ, इसकी हेल्प से मैं समझा सकता हूँ। कैसे समझाऊंगा? कह रहा है कि हमने बोला है कि आपको जो स्टडी करनी है वो करनी है सिंपल लीनियर इक्वेशन की, ये बोला है सिंपल लीनियर इक्वेशन की, मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है वाई और एक्स, ठीक है, और इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप कैसे होता है? सर y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स की फॉर्म में, ये हमारा जो होता है सिंपल लीनियर रिलेशनशिप होता है, ये पता है आपको, राइट। लीनियर, अगर आपको कोई बोलता है एक लीनियर इक्वेशन लिख के दिखाओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सो ये फॉर्म लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो ये इक्वेशन जो आपने लिखी है यही आपकी क्या कहलाती है? यही आपकी रिग्रेशन इक्वेशन कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो ये इक्वेशन फॉर्म करने पर हेल्प करेगा, जहां पे आपको करना क्या होगा, बेसिकली जो ये ए और बी वेरिएबल है, ए और बी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इन ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन एक बार बन गई तो यस, एक वेरिएबल की वैल्यू पता है वो पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो मतलब अगर आपको ए की वैल्यू पता चल गई, मान लो टू, बी की वैल्यू पता चल गई थ्री, सो आपके पास इक्वेशन बन गई ना भाई, वाई इज इक्वल टू टू प्लस थ्री एक्स।
अब मुझे बोलता है कि मुझे x की वैल्यू, मान लो आने वाले प्रिडिक्ट करने के लिए x की वैल्यू मुझे 120 दे रखी है, तो यस मैं इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट ये a और b वेरिएबल ही तो निकालना एक चमत्कार है, यही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे निकालेंगे, क्या हम दिमाग यूज करेंगे, क्या हम फॉर्मूला बनाएंगे। यस बच्चे अब वही पढ़ने जा रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। कह रहे बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो है एक बार मैं ये साफ कर दूं, यहाँ पे गंद मच गया थोड़ा, राइट, इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ, राइट। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपको जो है एक बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं, आपको ए और बी निकालने के लिए जो वर्टिकल डिस्टेंसेस आएगा आपके ग्राफ में उसको मिनिमाइज मिनिमाइज करना है, राइट, उसके सॉरी स्क्वेयर्स को मिनिमाइज करना है। मतलब क्या, इस बात का ग्राफ से समझाते हैं, फिर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में टर्न करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि देखिए हम जब ग्राफ बनाएंगे तो मान लेते हैं एक्स वेरिएबल हमारा यहाँ पे प्लॉट होता है और वाई वेरिएबल यहाँ प्लॉट होता है, जनरली हम ऐसे ही चलते हैं जी, है ना, राइट। सो जब हमने ये प्लॉट किया तो कुछ पॉइंट इस तरीके से प्लॉट हुए, देखिए कैसे ऐसे प्लॉट हुए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके आगे बढ़ते गए पॉइंट्स, ठीक है। सो ये पॉइंट्स मेरे ऐसे प्लॉट हो रहे थे, तब हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि रिग्रेशन लाइन जो है या रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो ऐसी लाइन फॉर्म करनी चाहिए जो कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंसेज है, मान लो मैं थोड़ा एक दूर पॉइंट मान के चल रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पर आता है, राइट। सो कह रहा है कि जो ये वर्टिकल डिस्टेंसेज है, वर्टिकल डिस्टेंसेज मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, ये वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा। कह रहे हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस मान लेते हैं डी आई है, डी आई है, राइट। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है मान लीजिए आपका एक्स आई और वाई आई, ठीक है जी, एक्स आई और वाई आई। तो कह रहे ये वर्टिकल डिस्टेंस डी आई का जो स्क्वायर है, राइट, डी आई का जो स्क्वायर है वो ऐसा होना चाहिए कि मैं जब सारे डी आई के स्क्वायर का सम करूं तो ये मिनिमम आए, तो ये मिनिमम आए। तो मान लेते हैं कि जो सम आने वाला है उसको एस मान लेते हैं। सो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा डी वन का स्क्वायर, मतलब पहले पॉइंट के से वर्टिकल डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरे पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस का स्क्वायर, तीसरे पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस का स्क्वायर, टिल मान लेते हैं एन पॉइंट्स है, तो एनथ पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, वर्टिकल डिस्टेंस का स्क्वायर का सम मिनिमम आना चाहिए, ये मिनिमम आना चाहिए, ऐसा करना होगा, राइट। सो अगर पॉइंट्स हमारे कुछ ये हैं, देखिए इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ग्राफ को पहले एक बार, राइट। सो अगर मेरे ये पॉइंट्स है बच्चे और मुझे प्लॉट करना है, तो मान के चलते हैं हम एक डार्क पेन ले लें, ये ब्लैक ही ले लेते हैं छोटा पेन, ठीक है ना। सो ये पॉइंट वन है, ये हमारा एक्स आई एक्स वन वाई वन है, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट जो है एक्स टू वाई टू है, इस तरीके से सारे पॉइंट्स प्लॉटेड हैं। हमें क्या करना है बच्चे, जैसे मैंने एक्स आई वाई आई ले लिया, ये वाला पॉइंट मेरा एक्स एन वाई एन हो गया, इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स को माना है। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंसेस मतलब ये डिस्टेंस को मिनिमम करना है, तो इसके लिए मुझे ये पॉइंट तो निकालना होगा और उसके साथ साथ में जो ये यहाँ मिल रहा होगा वर्टिकल डिस्टेंस का, ये पॉइंट निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के आपके कंसेप्ट जो बचपन में पढ़े थे वो क्लियर होने चाहिए, ये बात समझने के लिए, ठीक है। सो एक बार मान के चल रहा हूँ कि आपके क्लियर है, तो हमें अगर ये बात पता है कि ये पॉइंट निकालने के लिए तो इसका एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो एक्स आई ही आएगा। क्यों क्यों आएगा जी, समझिए। देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये कहां मिलेगी जी, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो ये एक्स आई पे मिलेगी। तो इस एक्स आई के ऊपर में अगर मैं कोई भी पॉइंट प्लॉट करूंगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट प्लॉट करूंगा, चाहे मैं यहां पे करूं, चाहे यहां करूं, चाहे यहां करूं, चाहे यहां करूं, चाहे यहां करूं, कहीं भी करूं, वो सारों का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आई ही आएगा, वाई चेंज होता रहेगा, ठीक है ना जी, राइट, वाई चेंज होता रहेगा। सो एक्स आई मुझे पता चल गया। अब वाई क्या होगा, कह रहे वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है ये लाइन, ये लाइन जो है ये रिग्रेशन इक्वेशन फॉलो कर रही है, तो ये वाई जो है इस लाइन पे वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में आएगा, राइट। सो अगर मैं यहां पे पुट करता हूं एक्स आई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक्स आई पुट करता हूं, तो वाई क्या हो जाएगा जी, वाई हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स आई, राइट, ए प्लस बी इंटू एक्स आई। तो वाई क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू एक्स आई। अब बच्चे मुझे वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे होगा, कह रहे देखो वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब देखो एक्स आई तो एक्स आई है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे वाई आई को आपको वाई से माइनस करना होगा, क्या करना होगा जी, कह रहे वर्टिकल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, इसको छोटा कर देते हैं अब, ठीक है, कह रहे वाई अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस डी आई निकालना है तो आपको क्या करना होगा जी, आपको वाई आई में से आपको वाई को माइनस करना होगा तो आप डी आई निकाल पाएंगे, ठीक है ना जी। वर्टिकल डिस्टेंस है, एक्स आई है तो ऑब्वियसली वर्टिकल निकालना, तो एक्स वाई आई में से वाई माइनस करेंगे, सो क्या आ जाएगा भाई,
वाई आई है आपका वाई आई ही। वाई क्या है, वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली, ए प्लस बी एक्स आई, ए प्लस बी इंटू एक्स आई, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, राइट। सो मतलब अगर डी आई ऐसे आया है तो अगर मैं डी वन की बात करूंगा तो डी वन भी ऐसे ही हो जाएगा। डी वन क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स आई एक्स वन, राइट। डी टू क्या हो जाएगा जी, डी टू हो जाएगा वाई प्लस वाई टू माइनस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स टू। इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मुझे अगर ये सम निकालना है बच्चे, तो मैं अब सम की वैल्यू कैसे निकालूंगा, कह रहे हैं बहुत सिंपल है सर, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो एस इज इक्वल टू डी वन, क्या निकला भाई, डी वन निकलेगा ये वाली वैल्यू, तो वाई वन माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स वन का स्क्वायर। डी टू क्या निकलेगा जी, डी टू का स्क्वायर कैसे होगा, ये हो जाएगा वाई टू माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। अब d3 भी आप पुट कर लेना, मैं dn पुट करता हूँ। dn क्या हो जाएगा, yn माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स एन का स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? सो ये हमारी सम ऑफ इक्वेशन निकल कर आ गई, ये हमारी बच्चे सम ऑफ इक्वेशन निकल कर आ गई। समझ में आया, राइट। सो अगर ये सम ऑफ इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना होगा। ये आपके सिलेबस में कवर नहीं होता है बच्चे कहीं भी, राइट, बिकॉज ये थोड़ा सा हाई लेवल में चले जाते हैं, वो हमें यूज नहीं करना है इतना, ठीक है ना, राइट। बट आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, जो डिफरेंशिएशन करना होता है उसको बोलते हैं, राइट। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। जो करना चाहते हैं, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, तो कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो वहां से हमने जो रिजल्ट निकाल कर देखा तो दो रिजल्ट निकल कर आए, हम डायरेक्टली वो लिखेंगे, ठीक है ना, हमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। हम डायरेक्टली जो दो रिजल्ट निकल कर आए उसको लिखेंगे जी। क्या है दो रिजल्ट, कह रहे हैं सिंपल से हैं दो रिजल्ट, कह रहे हैं उन रिजल्ट को पहले बोल देते हैं नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ बच्चे, जो ऊपर में जो ये रिग्रेशन इक्वेशन से हमने ये लाइन बनाई है ना, इसी को बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, इसी को बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, ये याद रखिए, ठीक है ना जी, इसी को बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। ये रिग्रेशन इक्वेशन की लाइन है, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, इससे ये लाइन फॉर्म बनाई है, इससे ये लाइन बनाई है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। याद आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ऊपर वाले जो एस से, जो हमने ऊपर बात बोली है, जो हमने बोला है कि हमें क्या करना है मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स में, हमें हर एक के वर्टिकल डिस्टेंस के स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम कर रहे हैं, बेसिकली एस को मिनिमम कर रहे हैं। तो उससे हमें दो रिजल्ट मिले, क्या क्या रिजल्ट मिले, कह रहे हैं कि रिजल्ट मिला कि सम ऑफ वाई, जब वाई की सारी वैल्यूज का सम करते हैं तो वो आता है हमारा n इंटू ए, n क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है ना भाई, या टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, प्लस में b इंटू सम ऑफ x। एक रिजल्ट ये आता है जी, ये हमारी पहली रिजल्ट है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। ये क्या है भाई, हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, समझ में आया। दूसरा रिजल्ट क्या आता है, दूसरा रिजल्ट आता है बच्चे हमारा सम ऑफ x इंटू y, सम ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू a इंटू सम ऑफ x प्लस b इंटू सम ऑफ x स्क्वायर के सम, राइट। ये हमारा सेकंड रिजल्ट आता है, ये हमारा सेकंड रिजल्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है, ये दो रिजल्ट आते हैं। अब इन दोनों के रिजल्ट से, राइट, दो इक्वेशन मिल गई है जहां पे आपको सम ऑफ वाई सम ऑफ एक्स पता चल जाएगा, बिकॉज आपको एक्स और वाई की सारी वैल्यूज हमने दे रखी हैं, पता चल जाएगा। तो ए और बी की मेनली वैल्यू हमें निकालनी है, तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, कह रहा है इक्वेशन को सॉल्व कर दो। आप क्या करिए जी, हमें ए को हटाने की कोशिश करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ए को हटाते हैं। तो ए के साथ यहाँ पे सम एक्स है और यहाँ पे क्या है, एन है। तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को सम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं टू माइनस वन, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे एन सम एक्स वाई माइनस ऑफ सम एक्स सम वाई इज इक्वल टू, यहां पे देखिए na सम एक्स आ गया, माइनस यहां पे na सम एक्स आ गया, राइट। तो बेसिकली ये तो कट गया, जीरो बन गया जी। प्लस में यहां पे क्या हुआ, देखिए यहां पे हो गया nb सम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b सम एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखिए यहां पे मैं अगर b की वैल्यू निकालूंगा तो मैं सीधा बोल सकता हूँ b जो है क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाय, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो n सम x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x स्क्वायर, दैट इज n सम x y इज इक्वल माइनस सम x सम y। ये बच्चे अपने आप सॉल्व करोगे, अपने आप निकालिए वैल्यू, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इतने अच्छे हो, मुझे पता हो निकाल लोगे, राइट। ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट आएगा यहाँ से, ये आपकी b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, राइट। अब ये b की वैल्यू आ गई है तो मुझे पहले इक्वेशन में एक काम करते हैं, b की वैल्यू को पुट कर देते हैं या नहीं पुट करते हैं, राइट। सो मैं डायरेक्टली फर्स्ट से एक चीज निकाल सकता हूं, हमें क्या पता है, देखिए हमें पता है कि सम ऑफ x जो है, सम ऑफ x बाय n जो है वो x मीन होता है, और सम ऑफ y जो है वो क्या होता है जी, बाय में n, वो y मीन होता है। तो मैं एक रिजल्ट यहां से ये निकाल सकता हूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को n से डिवाइड कराऊं, मतलब मैं सम ऑफ y बाय n, यहां पे n बाय a डिवाइड बाय n माइनस ऑफ, ओ सॉरी प्लस ऑफ b सम ऑफ x बाय n ऐसे डिवाइड कराऊं, तो ये क्या बन जाएगा x y मीन, ये क्या बन जाएगा a, और ये क्या बन जाएगा हमारा b into x मीन, है ना। तो अगर मैं a को निकालूं तो a को मैं बोल सकता हूं ना यहां से कि इसको माइनस कर दिया इसमें से, तो दैट इज y मीन माइनस b x मीन। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमें b की वैल्यू पता है, अगर हमें b की वैल्यू पता है सो मैं बोल सकता हूं कि a जो आएगा वो आएगा मेरा क्या भाई, दिस y मीन माइनस b into x मीन। सो ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, ठीक है, ये हमारा बेसिकली रिजल्ट हो गया, दिस इज वन रिजल्ट, दिस इज वन रिजल्ट, सो दीज आर आर रिजल्ट। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सिंपल है, हमें पता चल गया। तो हमें क्या पता चला, कह रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि हमारी लीनियर इक्वेशन जो बनेगी वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगी, जहां पे b जो है वो होगा आपका n सम x y माइनस ऑफ सम x सम y, मेरे साथ साथ लिखना है बच्चे ये, कहीं भी मिस नहीं करना, डिवाइडेड बाय n सम x स्क्वायर माइनस सम x का स्क्वायर, ठीक है जी। और a कैसे निकालेंगे, कह रहा है जब b पता चल जाएगा तो a की वैल्यू y मीन इनटू b ऑफ x मीन हो जाएगी जी, समझ में आया, राइट। ये हमारी वैल्यूज इस तरीके से निकल कर आएगी, ओके, राइट। सो ये आप याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट है आपका इंपॉर्टेंट तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको x की वैल्यू पता है। देखिए यहां पे हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, हमने ये क्या किया है, हम मान के चल रहे थे हमें x की वैल्यू पता है तो उसकी हेल्प से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। तो मैं ये बात जो बोल रहा हूं आपको, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि अगर ऊपर वाली जो मैंने इक्वेशन ली है तो मुझे x की वैल्यू पता है, उसकी हेल्प से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है, x की वैल्यू जो मुझे है पता है उसकी हेल्प से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसलिए जो ये b निकाला है उसको हम जनरली बोलते हैं b ऑफ yx, राइट, b ऑफ yx, मतलब x की वैल्यू पता है y निकालना, तो निकालना क्या है y, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाद में, तो bx बन गया, समझ गया, राइट। सो ये हेल्प क्या करता है, आपको निकालने की हेल्प करता है, इट मेजर्स द चेंज इन y कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन x, दैट्स व्हाई ये हेल्प कर रहा है आपको कि y में कितना चेंज आया है अगर आपको x के रिप्रेजेंट x को लेकर चलना है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोफिशिएंट, लिख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, हमने बोला है y जो है आपका a प्लस बी इंटू एक्स है, सो अगर बचपन में ज्योमेट्री ध्यान से पढ़ी होगी बच्चे तो हमें पता है कि जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे बी वाई एक्स बोल रहे हैं, तो स्लोप क्या होगा इक्वेशन का, बी वाई एक्स होगा। सो अगर आपको बोला जाए कि आपको बी वाई एक्स की वैल्यू, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स की वैल्यू 2 दी है, तो इसके अंदर रिग्रेशन लाइन का या रिग्रेशन इक्वेशन का स्लोप क्या है, तो आप बोलेंगे स्लोप इज 2, स्लोप इज 2, बिकॉज स्लोप इसमें किसके इक्वल होता है, रिग्रेशन लाइन के इक्वल, रिग्रेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है, बात समझ में आई बच्चे, राइट। तो बी वाई एक्स की वैल्यू हमें निकालनी आ गई है, दोबारा से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, जितनी बार आप फॉर्मूला को लिखेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा जी, ठीक है, ये मेरे साथ साथ फॉर्मूला दोबारा से लिखिए बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए बार बार लिखवा रहे हैं आपको याद रह जाए, ओके।
अब ये याद करने का तरीका भी बताऊंगा लिखने के साथ साथ। देखिए यहाँ पे आपने लिखा, देखिए यहाँ बाद में क्या एक्स है, बाद में एक्स है तो मतलब नीचे में जो टर्म्स आ रही हैं ये एक्स की फॉर्म में आ रही हैं, तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, दैट इज एक्स की टर्म में आ रही हैं, राइट। ये याद रखिए। और ऊपर वाली जो टर्म है वो एक्स और वाई दोनों को लेकर आ रही है, सो मतलब न्यूमिरेटर में एक्स वाई दोनों आएगा, डिनोमिनेटर में एन और एक्स, मतलब एन तो ऊपर भी रहेगा, मेन जो है एक्स एक्स आएगा, ये याद रखिए। क्योंकि अभी मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये बात अपने ध्यान नहीं दी। कह रहे जो बाद में आ रहा है वो सिर्फ नीचे आएगा और ऊपर में दोनों आएगा, एक्स और वाई दोनों आएगा, ठीक है ना, ये बात समझ गए। कह रहे अगर ये बात समझ आ गई, हम एक और तरीके से रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट। सो हमने आपको रिग्रेशन लाइन क्या बताई थी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बट इसके साथ में मैं बी को बी वाई एक्स लिख सकता हूँ, एंड ए को बच्चे मैं लिख सकता हूँ क्या, y mean माइनस बी वाई एक्स इन टू में x mean, बेसिकली मैंने b को बी वाई एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। सो यहां से अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू y mean माइनस ऑफ बी वाई एक्स इन टू एक्स मीन प्लस बी वाई एक्स इन टू एक्स, राइट। अब देखिए y mean को इधर ले आते हैं और इसको भी अरेंज कर लेते हैं, तो बी वाई एक्स इन टू एक्स माइनस एक्स मीन यहाँ पर हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में आ जाएगा वाई माइनस वाई मीन। तो ये जो इक्वेशन बनकर आई है, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन इक्वेशन या रिग्रेशन इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है, ये भी आपके रिग्रेशन इक्वेशन का एक फॉर्म है। तो हम जनरली राइट अगर बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम ए की वैल्यू नहीं निकालते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, मोस्टली बोलेगा रिग्रेशन कोफिशियंट बताओ, रिग्रेशन कोफिशियंट बताओ, तो आप क्या करेंगे बी वाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे अगर वो वाई ऑन एक्स है तो, राइट। और आपको बोलेगा रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बताओ, तो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बताने के लिए जब बोलेगा तो वो हो जाएगा वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू एक्स माइनस एक्स मीन। ये कब है, जब हमें एक्स की वैल्यूज पता है और वाई निकालना है, तो वाई ऑन एक्स बोल सकते हो, वाई जब डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो ये हम जनरली यूज करेंगे। तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हम जनरली यूज नहीं करते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको बोल रहा है ए की वैल्यू स्पेसिफिकली बताने के लिए। बात समझ में आई बच्चे, राइट। अब जैसे हमारा y on x है तो वैसे x on y भी होगा, मतलब जब हमारा x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, x जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, जब हमें x की वैल्यू बेसिकली निकालनी हो और y हमें दे रखा हो, तो हम मान के चलते हैं, देखिए कह रहे इस बार वर्टिकल डिस्टेंस की जगह हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेकर चलेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेकर चलेंगे, राइट। सो कैसे होगा, कह रहे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ये लाइन निकाली है, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है आपका, वापस से ये, तो ये पॉइंट है एक्स आई और वाई आई, तो इस बार आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसको कवर करेंगे, ठीक है ना, इसको कवर करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा, देखिए यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा, राइट, वाई आई हो जाएगा। सो मान लेते हैं कि ये लाइन जो है यहाँ पे इस बार आएगी एक्स एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे बच्चे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को हम मान लेते हैं इस फॉर्म में है एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी ऑफ वाई, राइट। तो अब वाई आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी ऑफ वाई आई, राइट। तो इस फॉर्म में हो जाएगा, तो अगर अगर मुझे इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा तो वो हो जाएगा मेरा एक्स आई माइनस ऑफ एक्स, एक्स क्या है जहां पे सी प्लस डी ऑफ वाई आई। तो अब वाई ऑन एक्स के केस में, वाई ऑन एक्स के केस में हमारा क्या था भाई, हमारे को वाई की टर्म्स में निकालना था, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, एक्स और एन वाई की केस में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेकर चलना है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते तो दैट इज एक्स आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है सी प्लस डी इन टू वाई आई, सी प्लस डी इन टू ये वाई आई है, ठीक है ना, ये है। सो इसकी हेल्प से हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, हमें सम ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस निकालना होगा, ठीक है, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर प्लस डी थ्री स्क्वायर, इस तरीके से डी एन स्क्वायर तक निकालना होगा, एंड फिर क्या करना होगा, इसका ली स्क्वायर लेना होगा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो लेना होगा, तो उससे भी दो इक्वेशन निकल कर आएंगी, उससे भी हमारी दो इक्वेशन निकल कर आएंगी। वो क्या है दो इक्वेशन, देखिए कह रहे जैसे आपने दो नॉर्मल इक्वेशंस निकाली थी फॉर वाई ऑन एक्स, यहाँ पे सी और डी के लिए दो नॉर्मल इक्वेशन आएगी, दैट इज लिखो मेरे साथ सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एन
प्लस डी इंटू सम ऑफ वाई, राइट, एंड सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू सम ऑफ वाई प्लस डी इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये इक्वेशन आएगी। अब इन दो इक्वेशन को भी वैसे जैसे पहले सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट, कि भाई हम सी को एलिमिनेट करेंगे तो कैसे करेंगे जी, इसको सम ऑफ वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको हम एन से मल्टीप्लाई कराएंगे, करिए जी, करते हैं। सो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए फ्रॉम बी, तो क्या करना है बेसिकली हमें बी माइनस ए निकालना है, करते हैं जी, तो करिए। सो ये क्या हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे एन सी वाई सिग्मा वाई एन सी सिग्मा वाई, ये जीरो हो जाएगा, मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बचेगा क्या, एन इंटू डी इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ डी इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई। समझ में आया बच्चे, सेम है, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको आगे समझाऊंगा, जिनको समझ नहीं आया, मैक्सिमम बच्चों को मुझे पता है ये बात समझ आ गई होगी कि इसके बीच में और जो हमने बी निकाला था क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है ना, राइट। सो डी निकल गया। सिमिलरली अगर मैं सी को देखता हूं तो सी क्या निकलेगा, हमें पता है कि पहली इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है इसकी हेल्प से सॉल्व करने पर सी की वैल्यू जो निकल कर आएगी ये अब अपने आप करेंगे, वो आएगी एक्स मीन माइनस डी ऑफ सिग्मा वाई मीन, ठीक है। इसके अंदर कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, करेंगे आप अपने आप इस पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कराएंगे, तो ये x मीन बाय ये x मीन बन जाएगा x जब सम ऑफ x बाय n होगा, और ये सम ऑफ y बाय n हमारा y मीन बन जाएगा। अब ये वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो ये x मीन माइनस डी वाई मीन हो जाएगा, तो हम d को इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं और c को जो है बच्चे आप बोल सकते हैं x मीन माइनस डी वाई मीन आ जाएगा। ये हमारी दो इक्वेशन हुई, ये हमारी बच्चे दो इक्वेशन हुई, समझ में आया, राइट, ओके। अब इनकी हेल्प से हम जब आपको x ऑन y निकालना, मतलब x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हम निकाल पाएंगे, ओके जी, बात समझ में आई बच्चे। अब आप बात समझिए, राइट, जैसे हमने बोला था रिग्रेशन कोफिशियंट y ऑन x, रिग्रेशन कोफिशियंट y ऑन x क्या था, जल्दी बताओ, ठीक है, यहां पे जितनी देर में मैं लिख रहा हूं आप बताओगे, ठीक है सर, सर बी वाई एक्स था, है ना, y on x, byx था। वैसे ही रिग्रेशन कोफिशियंट x on y को मैं bxy बोलना चाहूंगा, क्योंकि x और on y है तो bxy, so bxy और कुछ नहीं बेसिकली d है, मतलब क्या है भाई, d है, so मैं बोल सकता हूं bxy और कुछ नहीं हमारा d है, तो bxy की वैल्यू जो हम रिग्रेशन कोफिशियंट बोलते हैं वो क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइडेड बाय में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। सो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस था। देखिए मैंने आपको बोला था जो न्यूमरेटर होता है वो तो एक्स वाई टर्म में होता है, तो न्यूमरेटर बी वाई एक्स का और बी एक्स वाई का सेम है, बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का सेम है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर के अंदर में यहाँ पे देखिए बाद में वाई है, यहाँ पे क्या था भाई बी वाई एक्स के केस में बाद में एक्स था, तो बी वाई एक्स एक्स वाई के केस में बाद में वाई है, तो नीचे में डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ वाई की टर्म में रिप्रेजेंट होगा, सिर्फ वाई की टर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चे, राइट। अब बच्चे अगर अगर मैं अपना रिग्रेशन इक्वेशन बनाता हूं तो कैसे बनेगी, ध्यान से समझिए, हमने बोला था रिग्रेशन इक्वेशन जो है होती है x इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू वाई। अब d क्या है मेरा भाई, बी एक्स वाई है, और c की वैल्यू हमने निकाली है भी ऊपर, क्या निकाली है, x मीन माइनस बी एक्स वाई, डी को मैंने बी एक्स वाई रख दिया, ठीक है, इंटू वाई मीन रख सकता हूँ ना, डी क्या यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इससे, ओके डी रिप्लेस कर दिया इसमें, सो क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस, इसको पुट किया हमने बी एक्स वाई इंटू वाई मीन प्लस डी को यहाँ पे वापस से बी एक्स वाई पुट कर दिया इंटू, यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है ना, इंटू वाई। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो x माइनस एक्स मीन जो है वो आपका बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन के इक्वल आ गया,
राइट। अब हमें पता है कि स्लोप जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन। तो अगर मैं यहां से ध्यान से देखता हूं तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, वन बाय बी एक्स वाई करना होगा यहां पे। सो ये हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी, बेसिकली हम यूज करेंगे तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, बट स्लोप को समझने के लिए मुझे वाई को लेफ्ट साइड में और एक्स को लेफ्ट राइट साइड में रखना होता है। तो मेरा स्लोप बेसिकली क्या निकल कर आया, वन बाय बी एक्स वाई। तो याद रखिए, जब आपको बोला हो कि एक्स ऑन वाई दिया हुआ है, मतलब एक्स निकालना है, वाई आपको दिया हुआ है, तो स्लोप जो निकल कर आएगा वो इस कोफिशियंट से निकल कर आएगा, किससे भाई, वन बाय बी एक्स वाई। तो अगर आपको बी एक्स वाई कोफिशियंट दे रखा है बच्चे टू, तो स्लोप क्या निकल कर आएगा, स्लोप आएगा इस इक्वेशन का 1/2, दैट इज 0.5। समझ में आया, राइट। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा स्लोप इस पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जो हमारा एक्स के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये हमारा स्लोप आएगा, ये जो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये स्लोप आता है। ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं बच्चे, इसलिए डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, जिसको याद नहीं है वो आप मान के चलो ऐसा ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बच्चे ये बात, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, ओके, बी वाई एक्स कोफिशियंट पता चल गया है और लाइन की इक्वेशन पता चल गई है, तो एक बार इसको हम साफ साफ लिख भी देते हैं, राइट, साफ साफ लिख भी देते हैं, हमें नीचे लिखा भी है, राइट, नीचे लिखा भी है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने क्या क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि हमें निकालना है रिग्रेशन कोफिशियंट बी एक्स वाई विच इज इक्वल टू फटाफट बताओ, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सम एक्स सम वाई को सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी बोलते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। सो ये बी एक्स वाई निकल कर आएगा, और रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन निकल कर आएगी। सो ये आपको x ऑन y की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, x ऑन y की फॉर्म में, एक्स वाई है ऊपर एक्स वाई की फॉर्म में, y नीचे है तो सिर्फ y है यहाँ पे, y बाद में तो y नीचे आएगा, ठीक है, और इस फॉर्म में ये इक्वेशन टर्न हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बच्चे, अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये दो इक्वेशन, ठीक है, ये दो इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन, ठीक है, मान लो बड़े सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं बड़े डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, और मैं आपको यहाँ पे दो और निकाली थी ना जी, ये थी एक, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो ये ए और ये बी, ठीक है, और ये सी और डी, ये अगर आपको फॉर्मूला जो है सेपरेटली लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मैं 99% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपके, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको देखना शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन वन देखिए, क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वन उसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको, हमने यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशियंट फाइंड करना है, आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, रिग्रेशन कोफिशियंट मतलब बी वाई एक्स और आपको बी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट करनी है वैल्यूज में बस। बी वाई एक्स का फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय में एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बाद में एक्स आया है, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एन सिग्मा एक्स वाई सेम है, ऊपर वाला तो सेम आएगा, ठीक है ना जी, ऊपर वाला तो सेम आएगा, डिवाइडेड बाय में एन वाई, यहाँ वाई की फॉर्म में हो जाएगा, एक्स की जगह वाई रिप्लेस हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आ जाएगा एन सिग्मा, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1000 दे रखी है, माइनस ऑफ सम एक्स, सम ऑफ एक्स कितना है 50 है, सम ऑफ वाई कितना है 30 है, डिवाइडेड बाय में एन कितना है 10 है, सम ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कितना है 3000 है, माइनस ऑफ कितना होगा, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट इज 2500, 50 का स्क्वायर हो गया ना जी, कितना हो गया, सॉल्व करो, 10000 माइनस 1500, तो ऊपर में तो 8500 आ गया, नीचे में कितना आएगा, 30000 माइनस 2500, तो 27500 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, देखिए यही सेम वैल्यूज यहाँ पर है, तो न्यूमरेटर तो हमारा 8500 हो जाएगा, सीधा सीधा लिख सकते हो, शॉर्टकट है, ठीक है, ये वैल्यूज और ये जो है सेम है, तो मतलब इसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। नीचे में क्या आएगा देखो बच्चे, नीचे में जो आएगा यहाँ पे ये एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 27500 है, ठीक है ना, नीचे में यहाँ पे एन सिग्मा वाई स्क्वायर है, तो दैट इज 10 इंटू वाई स्क्वायर दैट इज 1800 माइनस ऑफ
सम ऑफ वाई का स्क्वायर, दैट इज 30 का स्क्वायर, दैट इज 900. सो 8500 डिवाइडेड बाय में 18000 माइनस 900, दैट इज 17100. वैल्यू निकालिए जी दोनों की, कैलकुलेटर उठाइए और फटाफट से वैल्यू निकालिए. 8500 डिवाइडेड बाय में 27500, दिस इज 0.3931 अप्रोक्सीमेटली. यहाँ पे देखिए 8500 डिवाइडेड बाय में 17100, दिस इज 0.497 अप्रोक्सीमेटली. ओके जी, समझ में आया. इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है आप कर लोगे. थोड़ी सी बस बच्चे मेहनत करनी होगी, बहुत इजीली आप इसमें आंसर निकाल सकते हो. कितनी देर लगेगी बच्चे? मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, ठीक है ना? राइट, समझ में आया. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड. सम ऑफ एक्स इतना दे रखा है, ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं. अब आपको यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन भी बतानी है, राइट? रिग्रेशन लाइन मतलब बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन बतानी है कोफिशिएंट के साथ साथ. तो आपको पहले बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना होगा और फिर उसको वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन की फॉर्म में लिखना होगा, राइट? तो बेसिकली वाई मीन एक्स मीन की वैल्यू बची होगी और एक्स माइनस एक्स मीन जो है बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन की फॉर्म में यहाँ लिखना होगा, राइट? इस फॉर्म में आपको सॉल्व करना होगा. करें भाई सॉल्व, चलिए करना शुरू करते हैं. तो बी वाई एक्स की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना? बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? सर बी वाई एक्स होता है हमारा एन इंटू टेन इंटू सम ऑफ एक्स वाई, दैट इज 3900 माइनस का सम एक्स सम वाई, दैट इज 900 इंटू 700 डिवाइडेड बाय में क्या होता है भाई 10 इंटू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट इज 6360 माइनस ऑफ सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट इज 900 का स्क्वायर. करो भाई सॉल्व, कितना हो गया 39000 माइनस कितना होगा ये 63, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो लिख ही देते हैं 39000 माइनस 63000. तो बेसिकली 63000 में से माइनस करेंगे 39000 को, तो ये माइनस ऑफ 59100 आ गया जी, ठीक है? इसको डिवाइड कराने किससे, देखिए यहाँ पे 81000 नहीं 8,10,000 हो गया, माइनस करेंगे इसमें से 63600 दैट इज 7464 माइनस के साइन के साथ है भी 64000 नहीं. सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 59100 डिवाइडेड बाय 7464 दैट इज 0.79. ये तो क्या निकल गया, ये माइनस से माइनस कट गया ना, ये हो गया हमारा बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है? बी वाई एक्स, ठीक है? अब बी एक्स वाई कैसे होगा, कह रहे ऊपर में तो सेम रहेगा सर माइनस 59100 है ना भाई, सेम रहेगा ना, यही आएगा. आप करके देख लेना, ऊपर वाला सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज होगा. डिनोमिनेटर में क्या चेंज होगा जी, कह रहा है डिनोमिनेटर में बहुत सिंपल सा चेंज है. हाँ जी, क्या होगा, कह रहा है आपको करना है नीचे में एन सिग्मा वाई स्क्वायर. तो क्या हो गया 10 × 2860 माइनस ऑफ सिग्मा वाई का स्क्वायर, दैट इज 700 का स्क्वायर, दैट इज 49000. सो कितना हो गया 49000 में से 28600 माइनस करेंगे, तो ये आ गया माइनस साइन के साथ में 59100 ऊपर है और नीचे में माइनस 46100, राइट? तो वन से बड़ी आ रही है, देखो वैल्यू आ सकती है, कोई बात नहीं. माइनस हो और डिवाइड बाय 46100, दिस इज 1.28 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, 1.28. अब बी एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई, बी वाई एक्स की वैल्यू पता चल गई. वाई मीन और वाई एक्स मीन निकालना जरूरी है अब, ठीक है? वाई मीन और एक्स मीन भी यहाँ निकाल लेते हैं. तो एक्स मीन क्या होगा, एक्स मीन इज सम ऑफ एक्स बाय एन. सम ऑफ एक्स कितना है हमारा 900 है, तो 900 डिवाइडेड बाय में 10 दैट इज 90. और सम ऑफ वाई मीन क्या है भाई, दैट इज सम ऑफ वाई बाय में एन, दैट इज 700 डिवाइड बाय में 10 दैट इज व्हाट 70. अब इसको हम दोनों में पुट कर लेते हैं. तो पहली इक्वेशन में बनाते हैं, वो क्या आ जाएगी y माइनस y मीन, y मीन कितना है भाई 70 है.
इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.79 इंटू एक्स माइनस एक्स मीन. एक्स मीन कितना आया बच्चे हमारा 90 आया है. सॉल्व करो इसको तो वाई इज इक्वल टू 0.79 इंटू में कितना हो जाएगा बच्चे 0.79 इंटू 90 7.1 माइनस ऑफ 70. सो माइनस साइन के साथ में यहाँ एक्स आएगा, सॉरी यहाँ एक्स आएगा माइनस साइन के साथ में 1.1. ठीक है, ये वैल्यू बन गई. ओके क्या हो गया भैया यहाँ पे एक्स माइनस 1.1. ओके बिकॉज ये बड़ा निकल कर आया माइनस के साइन के साथ. एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है ये वाली. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स मीन दैट इज 90 इंटू बी वाई एक्स बी एक्स वाई दैट इज 1.28 इंटू वाई माइनस वाई मीन. वाई मीन कितना है भाई 70 है. ठीक है तो 1.28 इंटू 70 दैट इज 89.6 राइट. माइनस में से 90 करेंगे तो माइनस 0.4 आ गया. ठीक है ना, तो एक्स के साथ ही रखते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे एक्स में से मैं यहाँ डिवाइड कराऊंगा 1.28 को और यहाँ आएगा माइनस 0.4. ठीक है इस फॉर्म में रहेगी क्वेश्चन. सो इसको डिवाइड कराऊंगा पहले 1.28 से. बेसिकली मैंने थोड़े स्टेप छोड़े हैं, आप भी इस तरीके से छोड़ सकते हो. ठीक है तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ 0.3125. बेसिकली मुझे वाई इंटू एक्स की फॉर्म में चाहिए. ठीक है या मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ, दोनों लिख के दिखाऊंगा, दोनों ही ठीक है. ओके राइट. और 1 डिवाइड बाय 1.28 0.78x. तो ये इक्वेशन एक और बनी है 0.78x माइनस 0.3125. अब इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1.28y प्लस ऑफ 0.4 या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है. डिपेंड करता है कि आपका किस फॉर्म में आंसर चाहता है. अगर आप यहाँ तक छोड़ोगे ये भी ठीक है, और अगर आप इसको y इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो. तो ये दो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनकर आती हैं. राइट मैंने आपको दो फॉर्म में लिखकर दिखा दिया है इस वाली इक्वेशन को. आप दोनों ही लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आया बच्चे, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके राइट. अब हमने जो ये आपको दिया, ये आपको यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट दी हुई थी. बट अगर वैल्यूज ना देकर आपको यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन दे जाए जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं. क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ कार ऑफ अ सर्टेन मेक एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट. एक दे रखा है एजेस ऑफ कार. क्या दे रखा भाई, एजेस ऑफ कार. दूसरा दे रखा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. ओके दो डेटा दे रखा है यहाँ, एज दे रखी है कार की 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, उसका मेंटेनेंस किस तरीके से बढ़ रहा है ये देखना है. ठीक है सो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है. ओके जी. ओके अब ये वेरिएबल मान लेते हैं तो हमें यहाँ पे डेटा एक्स का मिल जाएगा वाई, एक्स की फॉर्म में वाई का मिल जाएगा वाई की फॉर्म में. दो वेरिएबल है राइट. तो हम बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन अब बना सकते हैं वाई और एक्स की फॉर्म में. बट क्वेश्चन में पूछा गया है वो ध्यान से समझिए. कह रहा है कि हमें एक तो बनाना है यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन फॉर कॉस्ट रिलेटेड टू एज. ठीक है कॉस्ट रिलेटेड टू एज मतलब कि वाई कॉस्ट क्या है, वाई है राइट, और एज क्या है, एक्स है. तो वाई ऑन एक्स की फॉर्म में बनानी है. तो y on x की फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, y माइनस y मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन. एंड आपका बी वाई एक्स क्या होगा यहाँ पे, बी वाई एक्स होगा सर मेरा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई मीन. यहाँ पे बाद में क्या है x है तो n सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का स्क्वायर. ठीक है x सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा x का स्क्वायर. और साथ साथ में आपको क्या बताना है, कह रहा है एस्टिमेट द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 10 ईयर ओल्ड कार. तो मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू 10 है तो यहाँ क्या वैल्यू होगी ये बताना होगा अगला. ठीक है ना राइट. सो ये फ्यूचर एस्टिमेशन भी होगा जो कि हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है जी समझे कैसे होगा. अब ये दो ही वेरिएबल है तो अब बहुत सिंपल है, हमें ये सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए क्या क्या चाहिए आपको. यहाँ पे सर हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा, एक्स का सम चाहिए, वाई का सम चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए. सो मैं बोल सकता हूँ मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, एक्स इंटू वाई चाहिए और एक्स का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इसका सम निकालूंगा काम हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू क्या है,
टू है, फोर है, सिक्स है और एट है, टेन को नहीं लेंगे, वो बाद का पार्ट है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो गई भाई फोर। वाई की वैल्यू क्या है बच्चे? वाई की वैल्यू सर 10 है, 20 है, 25 है और 30 है, ठीक है। एक्स वाई क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 240, गुड। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, वेरी गुड। अब वैल्यूज आपने निकाल लिया, बस अब इसका सम निकालिए, फटाफट से निकालना शुरू करें। इसका सम कितना आएगा बच्चे? इसका सम आएगा हमारा 20 आ जाएगा। सम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सम ऑफ वाई कितना आएगा बच्चे? 30 + 30 60, 60 + 25 दैट इज 85 आ गया। यहाँ कितना आएगा सम ऑफ एक्स वाई, फटाफट से बताओ सर? एंड में तो जीरो है, फिर देखिए 10, 25 और 24 490 आ गया। यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा सर? ये हो गया हमारा 100 और 120 आ गया। चेक कर लो कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं करी है ना, अगर गड़बड़ नहीं करी तो सही है। चलो जी अब सब कुछ हो गया, अब इसमें पुट कर देते हैं। तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? एन की वैल्यू कितनी है? 4 है। बी एन इंटू सम ऑफ एक्स वाई दैट इज 490 माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई दैट इज 20 × 85 डिवाइडेड बाय एन 4 सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 120 है ना, माइनस 20 का स्क्वायर दैट इज 400 है ना। सो ये कितना हो गया नीचे में 480 माइनस 480 आ गया, ऊपर में ये कितना हो गया भाई 1700 और 4 × 490 कितना होगा? 4 × 490 हो जाएगा आई थिंक 1960 के राउंड, चेक कर लेते फिर भी। हाँ 1960 में से 1700 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 260, ठीक है। 1960 माइनस 1700 इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय में 80 करेंगे अब हम, दैट इज 3.25, वेरी गुड। तो हमारा वेरिएबल कितना आ गया सिंपल सा 3.25। अब हमें इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, क्या भाई? वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो हमें क्या क्या निकालना होगा? वाई मीन निकालना होगा और एक्स मीन निकालना होगा। तो वाई मीन क्या होगा बच्चे? वाई मीन हो जाएगा सर हमारा 85 बाय 4 दैट इज 2 1.25 और एक्स मीन कितना हो जाएगा 20 बाय 5 दैट इज 5। सो ये वैल्यू पता चल गई है, अब यहाँ पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा, बस सारी वैल्यूज पता है। तो क्या हो जाएगा? वाई माइनस ऑफ 21.25 इनटू में कितना है बच्चे यहाँ पे 3.25 ऑफ एक्स माइनस कितना आएगा बच्चे? एक्स माइनस एक्स मीन दैट इज 5। सो क्या हो गया देखो, y इज इक्वल टू 3.25 इंटू एक्स राइट माइनस का 3.25 इंटू 5 माइनस ऑफ 16.25 और इसमें से 21.25 में से माइनस करेंगे दैट इज 5, एडिशन में 5 होगा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? ऊपर में दिया हुआ है, ये तो पहला इक्वेशन जो चाहिए था मिल गया हमें y on x, ये पहले पार्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? एस्टिमेट द कॉस्ट व्हेन एज इज इक्वल टू 10 ईयर ओल्ड है ना। तो एक्स की वैल्यू 10 जब होगी, तो एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 3.25 इंटू 10 प्लस में 5, सो 32.5 प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 37.5। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे? 37. वाई की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे? 37.5, ये वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 37.5। तो यहाँ पे जब 10 आएगा तो यहाँ पे आएगा 37.5, y की वैल्यू कितनी आएगी 37.5। बट बच्चे यहाँ पे क्या आप y की वैल्यू 37.5 आपका आंसर लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको बोला है ये जो पैसे दिए हुए हैं ये 100 की फॉर्म में दिए हुए हैं। सो आपको क्या करना होगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 37.5 को 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो वो कितना हो जाएगा 3750, ये आपकी कॉस्ट आई है। तो एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए था, कितनी कॉस्ट आएगी जब 10 ईयर हो जाएगा? तो 3750 इतनी कॉस्ट आएगी। समझ में आया बच्चे? सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत आसान से हैं। अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस क्लास में, आप यहीं तक में एक बार समझिए, प्रैक्टिस करिए खुद से कुछ क्वेश्चंस की, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम और क्या क्या फॉर्मूलाज बन सकते हैं रिग्रेशन के वो देखेंगे, और क्या क्या फॉर्मूलाज बन सकते हैं रिग्रेशन के वो देखेंगे। तीन और फॉर्मूलाज बनेंगे बच्चे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।